हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल में हमने जो मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन देखा, देन आफ्टर मीट्स ऑफ इंस्पेक्शन देखा, देन एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी देखा। एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी में हमने स्टैंडर्ड्स देखा एंड वर्कपीस देखा। ये सारे के डेफिनेशन लिखे हुए हैं अच्छे से, आप इसको नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज होता है। तो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम और मेट्रोलॉजी। उसके बिना मेट्रोलॉजी मतलब कि अधूरा है, उसके बिना इम्पॉसिबल है मेट्रोलॉजी का। तो इंस्ट्रूमेंट्स जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे टाइप के, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। एक सिंपल सा लेंथ मेजरमेंट के लिए आपने मीटर को देखा होगा, वो एक बेल्ट टाइप का जो होता है उससे आपने लेंथ मेजरमेंट किए होंगे, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजरमेंट के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, एक स्केल है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। बट मैन्युफैक्चरिंग में जो मेट्रोलॉजी में मोस्टली यूज किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, जहाँ पर अलग अलग, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के, कि वर्नियर कैलिपर हो गया, या हो गया माइक्रोमीटर हो गया, या डायल गेज हो गया। इस तरह मतलब कि हाईली एडवांस और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर, एक नॉलेजेबल पर्सन का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मोस्टली जो इंडस्ट्री में है, चाहे वो डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग किए हुए डिग्री वाले, को ही लिया जाता है, ताकि उसको ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है और वो इस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ लिखा है कि इंस्ट्रूमेंट इज द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच द मेजरमेंट कैन बी डन। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टॉलरेंस ऑफ द पार्ट टू बी मेजर्ड, द टाइप ऑफ एनवायरमेंट एंड द स्किल लेवल ऑफ ऑपरेटर। वही बात मैंने यहाँ बोला कि इंस्ट्रूमेंट इस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है कि उसका टॉलरेंस बहुत कम हो, और जो क्लाइमेट सुटेबल क्लाइमेट को यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस में भी नहीं, हॉट प्लेस में हॉट जगह में भी यूज नहीं कर सकते, उसको नॉर्मल अपना टेम्परेचर होना चाहिए। और जो स्किल जो ऑपरेटर होता है जो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, उसको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे नॉलेज उसके बारे नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अच्छे से उसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है पर्सन। अब पर्सन ये तो वही बड़ी बात होगी कि पर्सन का तो होना जरूरी है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या उसका मेजरमेंट करने के लिए, पर्सन के बिना तो वो चीज़ अधूरा ही है। अब मैंने उसके बाद नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा कुछ एक ब्लॉक डायग्राम्स यहाँ पर बनाए हैं, है ना, कि एलिमेंट ऑफ जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम, ये एक मेजरमेंट सिस्टम है, जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डायग्राम से बनाया है। इसका आपको जो है आप इसके इसको अच्छे से सुन लीजिए, आप उसके बाद खुद इसको नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आपको बुक में ये मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो अपना जो आजकल के जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आ गया है, उस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे आप देखेंगे, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, डायल गेज, ये सारे बहुत सारे पहले मैन्युअली होता था, अब वो डिजिटल भी आ चुका है। तो वो डिजिटल में वो कैसे यूज होता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के थ्रू, कि जब वो इंस्ट्रूमेंट को हम ले आते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास जिसको मेजरमेंट करना पड़ता है, या कोई भी वर्कपीस है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं जिसको हमको मेजरमेंट करना है, वहाँ से जैसे उसको मैंने टच किया तो वहाँ से एक इनपुट जाता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट को, वो एक इंस्ट्रूमेंट में प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है वहाँ पर जाता है, उसका इनपुट जाता है, और वो इनपुट जो क्या करता है कि वहाँ से वो डाटा रहता है। सपोज मुझे उसका डेप्थ मेजरमेंट करना है, तो उसका डेप्थ का वो क्या करता है डायमेंशन लेता है, सेंस करता है, और वो आगे उसको ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ जो एक चीज़ है दैट इज वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, मतलब कि वो क्या करता है, वो लेंथ को डेप्थ को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, आगे उसको कन्वर्टिंग सिग्नल के थ्रू आगे सेंड करता है। और यहाँ पर वेरिएबल मैनिपुलेशन, उसके बाद क्या क्या आता है यहाँ पर मैनिपुलेशन होता है, मतलब कि अगर मान लें कि मुझे डायमेंशन 4.55 सेंटीमीटर का चाहिए, अगर 4.55 mm का चाहिए, अगर डायमेंशन 4.6 आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, 4.55 करेगा। उसके बाद फिर वहाँ से क्या करता है, उसको मैग्नीफाई करके एम्पलीफाई करके आगे उस डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद फिर उस डाटा को क्या आता है अप्लाई किया जाता है, फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर डाटा अपने को रिप्रेजेंटेशन होता है कि दोबारा उसको हम चेक करते हैं तो क्या ये प्रॉपर शेप में आया कि नहीं, जैसे 4.55 चाहिए था और वो 4.6 चला गया, तो हमने 0.05 का हमने उसको माइनस करके दोबारा मैनिपुलेट करके हमने उसको दोबारा जब अप्लाई किया मशीन में,
तो क्या आप उसके बाद दोबारा हम देखते हैं क्या 4.55 आया कि नहीं, उसके बाद ये आने के बाद क्या क्या आता है उसको दोबारा ऑब्जर्व करने के बाद वो ऑब्जर्व क्या आता है, अगर वो करेक्ट है तो उसको और दोबारा उसको कुछ मैनिपुलेट वगैरह नहीं किया जाता, अगर इनकरेक्ट है तो दोबारा से उसको मैनिपुलेट करके फिर से करेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से जनरलाइज मैनेजरियल सिस्टम एक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसका अच्छे से नोट्स बना लें और इससे आपको मेट्रोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।